हर साल की तरह 2017 में हमने बहुत हंगामे किए, मस्ती की, बल्ले बल्ले की, पर सबसे ज्यादा मजा आया हमें गोवा के ट्रिप में। साइकिल में घूमने गए थे ना, बहुत मजा आया था। आज भी गोवा के टेस्टी खाने की याद आती है ना तो मुंह में पानी आ जाता है। टप्पू सेना ने गोवा के ट्रिप का क्या प्लानिंग किया था, क्या मजा करवाया था। सॉलिड। हाँ, वो भी किफायती, मतलब कितने कम खर्चे में करवाया। इसलिए टप्पू सेना, आप लोगों को बहुत बड़ा 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 थैंक यू। चलो, गोवा ट्रिप तो हो गया, अब नेक्स्ट ईयर एक अब्रॉड ट्रिप पर जाना है और उसकी प्लानिंग भी टप्पू सेना ही करेगी, क्या बोलते हो बेटे अंकल? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे बेटा, लेकिन वो अगले साल की बात है ना, अभी फिलहाल 2017 की बातें करते हैं। चलो भाई आ जाओ। इस अवसर पर मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। इस बार गणेशोत्सव में टप्पू सेना ने जो दिव्य वेशभूषा का आयोजन किया था, उसे याद करके तो आज भी मन प्रफुल्लित हो जाता है। वातावरण हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे देवी देवता और महापुरुष साक्षात यहाँ उतर के आ गए हो। ऐसा सुंदर कार्यक्रम करने के लिए टप्पू सेना और बिल्ली मास्टर को मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। और सिर्फ गणपति ही नहीं दादाजी, हमने तो हमारी सोसाइटी में दिवाली, जन्माष्टमी, होली सभी त्योहारों को क्या जम के सेलिब्रेट किया था। मित्रों, यदि राष्ट्र से प्रेम की बात हो तो हम गोकुलधाम निवासी कभी पीछे नहीं हटते। इस वर्ष 2017 में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी हमने पूरे जोश और खरोश, उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया। भारत माता की जय। मेरे लिए तो सबसे यादगार दिवस था जब हमने मिलकर सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया था। हमारी भारतीय सेना के वीर जवानों को यह विश्वास दिलाने कि हम सब उनके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे लिए गौरव की बात वो थी जब हम हमारे देश के रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी से मिले। उनके साथ साथ हम इस देश के थल सेना, वायु सेना और जल सेना के प्रमुखों से भी मिले। उनको हमने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर बधाई दी और यथाशक्ति योगदान भी दिया।